देख लो, आज मैं लेट नहीं हुआ, बल्कि आज आप ही अपने किसी जरूरी काम में बिजी थे। अरे नहीं, प्लीज बैठो। वाकई बिजी थे या अभी तक उस दिन की सजा दे रहे हो? अरे नहीं, मैं सजाओं पर यकीन नहीं रखता और ना ही किसी बात को इतने दिन तक याद रखने के हक में हूं। तुम आ गए थे तो मुझे इन्फॉर्म कर देते। कैसे इन्फॉर्म कर देते? तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ही अपनी सीट पर नहीं थी। आई गेस वो भी किसी जरूरी काम में बिजी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं काफी देर खड़ा रहा, बट देयर इज नो वन आई कुड टॉक टू। फिर वो लड़की बाद में आई भी तो बहुत रिजिड हो रही थी, जैसे कोई एहसान कर रही। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए दानिया। इट विल नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन। आई थिंक वो रिजिड नहीं है, थोड़ी अपसेट है शायद, इसलिए तुम ऐसा फील हो। अच्छा, लेकिन मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगी है। तुम्हारी लोगों को जज करने की आदत नहीं बदली। अरे नहीं 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 भाई, मैं भला इस लड़की को क्यों जज करूंगा। कुछ दिन ऑफिस स्किप करना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ दिन रेस्ट करिए। नहीं सर, ऑफिस तो मैं आऊंगी। अपने सबसे प्यारे रिश्ते के जाने का गम तो उम्र भर रहता है ना। वो तो कम नहीं हो सकता। मुझे जैसा लगा मैंने तुम्हें बता दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तुम्हारी इंप्लॉय के बारे में मेरा इस तरह बोलना। एक्चुअली बात यह सरफराज, कि जितना मैं उस लड़की को समझ पाया, वो किसी अच्छे घराने की इज्जतदार खुददार लड़की है। इसलिए मैं उसे डिफेंड कर रहा हूं। एनीवे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सिद्दीकी साहब को बुलाता हूं और सेशन स्टार्ट करें, क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। सिद्दीकी साहब बोर्डरूम में आइए और हमजा और तैमीन से कहें वो भी आ जाए। कोटेशन देख लिया? देखी थी? हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं वही देख रहा था। कुछ माइनर चेंजेस किए हमने, उन पर कोई इशू तो नहीं है?